क्वेश्चन दैट हैज बीन एक्चुअली गिवन टू यू इज कि ए प्लस वन बाय ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, ये डेटा दिया हुआ है एंड तुम लोग को निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस वन बाय ए क्यू, डन। अभी जब हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, ए क्यू प्लस वन बाय ए क्यूब कब निकलेगा, ओनली इफ आई राइट ए प्लस वन बाय ए होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस वन बाय ए क्यूब प्लस थ्री होल इंटू ए प्लस वन बाय ए, ओनली देन आई विल बी एबल टू फाइंड आउट ए क्यूब प्लस वन बाय ए क्यूब, इसी फॉर्मूला से निकलेगा। अब मेरे पास लेकिन ए प्लस वन बाय ए का वैल्यू कहाँ से आएगा, ओनली फ्रॉम हियर, ए प्लस वन बाय ए होल स्क्वायर इज थ्री, सो ए प्लस वन बाय ए विल बी स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, एंड इफ दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ थ्री देन आई हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, अल्टीमेटली व्हाट एम आई गेटिंग, आई एम गेटिंग रूट थ्री होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस वन बाय ए क्यूब प्लस थ्री इंटू रूट थ्री, बिकॉज ए प्लस वन बाय ए इज रूट थ्री। Now root 3 whole cube is also 3 root 3 is equal to a cube plus 1 by a cube plus 3 root 3. Now if this 3 root 3 is brought to this side, what is going to happen? A cube plus 1 by a cube is equal to 3 root 3 minus 3 root 3. Done. Zero. Okay. It is zero. Now did you understand? Yes. For example, this actually many times it comes as question in your half yearly या फिर जो भी mock test होगा school में, तो उसमें भी अभी ये चीज आता है, like if a plus b plus c is equal to zero, okay, if a plus b plus c is equal to zero, then you have to show that a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Now this thing is possible only when this condition is applied. Agar a plus b plus c tumko ka zero ho raha hai, then only you will be able to prove that a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Nahi to nahi kar sakte, is cheez ko nikalne mein hi tum log ka jaan nikal jayega. Theek hai, that is the point over here. So how are we going to show? How will we derive? Let's see the derivation part. Ya fir proof jo hum log bolte hain. So kya diya tum log ko starting mein instruction that a plus b plus c is equal to zero. Abhi yahi a plus b plus c se hum log ek cheez kya kar sakte hain? Let us keep a plus b constant. यही तो होता है प्लस बी होल का is equal to minus c cube. Yes, minus c cube. लेकिन यहाँ पे अभी तुम लोग के पास एक और इम्पोर्टेंट चीज है, क्या a plus b, यहाँ पे a plus b का वैल्यू क्या था, माइनस c, a plus b का वैल्यू था माइनस c, सो अप्लाई इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू, अप्लाई इक्वेशन वन इन इक्वेशन टू, सो अल्टीमेटली व्हाट आर यू गेटिंग, that a cube plus b cube plus 3ab bracket में रखो minus c, अभी bracket में minus c नहीं रखोगे तो sign सब इधर उधर करोगे, answer फिर तुम लोग का गलत आएगा, minus c cube, just change the position, या फिर पहले sign ही change कर दो, a cube plus b cube minus 3abc is equal to minus c cube, now you can interchange the positions and ultimately what are you getting, a cube plus b cube plus c cube is equal to 3 a b c. Done? Is that clear? Now if you see few more questions,
लाइक एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन 8, वहां पे एग्जैक्टली यही प्रॉपर्टी को यूज करके उसने तुम्हें कुछ सॉल्व करने के लिए बोला हुआ है. सो लेट्स हैव अ लुक कैसे, हाउ इज दैट थिंग पॉसिबल. नाउ दे हैव गिवन यू सपोज अ क्वेश्चन, यूज द प्रॉपर्टी टू इवैल्यूएट 8 cube plus minus 5 cube plus minus 3 cube. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू सॉल्व दिस थिंग. अभी हम लोग चाहे किसी नॉर्मल इंसान को दे दो, किसी नॉर्मल बच्चे को दे दो, व्हाट दैट पर्सन विल डू, 8 का क्यूब निकालेगा, बेचारा माइनस 5 का क्यूब निकालेगा, माइनस 3 का क्यूब निकालेगा, साइन चेंज करेगा, फिर उसको ऐड करके लिखेगा सब कुछ. नो, वी डू नॉट वॉन्ट दैट. अभी करना क्या है, जस्ट हैव अ लुक. हम लोग को यही फॉर्मूला अप्लाई करना है या फिर यही कंडीशन हम लोग को अप्लाई करना है, दैट इफ a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. यही चीज हम लोग को यूज करके चेक करना है that this thing is applied on this thing or not. तो सबसे पहले अभी इसमें हम लोग जब इसको अप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हम लोग को, that a is equal to 8, ठीक. b क्या है इधर, minus 5, लिख लो minus 5. c यहाँ पे दिया हुआ है minus 3, करेक्ट. A is 8, B is minus 5, C is minus 3. Now, quickly tell me, A plus B plus C is equal to how much? 8 plus minus 5 plus minus 3 is equal to 8 minus 5 minus 3. 3 minus 3 is equal to 0. So now it is proved that A plus B plus C is equal to 0 over here in this case. Yes. तो अभी मेरे को ये पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, पूरा इसका क्यूब निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, ऐड करो, कोई दरकार नहीं है. व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ओनली फाइंड आउट वन थिंग, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3abc, बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ओवर हियर, और कुछ नहीं चाहिए. तो 3abc यहाँ पे कैसे होगा, जस्ट साइन के साथ तुम लोग को लेकिन कैलकुलेशन करना है, दैट्स वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. तो क्या हो जाएगा इधर, इंटू ए, ए के जगह यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को, 8. बी के जगह क्या लिखना है, माइनस 5. सी के जगह माइनस 3. नाउ जस्ट मल्टीप्लाई 5, 8, 40 इंटू 9, 360, सिंस माइनस एंड माइनस है सो इट विल बी अ पॉजिटिव नंबर, सो 360, दैट्स योर आंसर. अभी एग्जैक्टली यही चीज तुम लोग को अप्लाई करके और भी सम्स कुछ प्रैक्टिस करने हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू, मान लो तुम लोग को अभी इक्वेशन दिया है समथिंग लाइक दिस, 7 cube plus 3 cube minus 10 cube. How are you going to solve this thing now? वही चीज देखना होगा हम लोग को कि a plus b plus c is equal to 0 or not. If this is the case, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. ठीक, अभी next देख लो यहाँ पे, that 7 cube, 3 cube and minus 10 cube को कैसे हम लोग यहाँ पे निकालेंगे. पहले a का value रखो 7, b is 3, c is minus 10. ठीक है, now check if a plus b plus c is equal to 0 or not. देखते हैं, 7 plus 3 plus minus 10, 7 plus 3 is 10, 10 minus 10 is equal to 0. Yes, condition approved. And now what I have to do, ये a cube plus b cube plus c cube जो हम लोग को इधर दिया हुआ है उसका value कैसे निकालना है, just calculate 3abc, 3 into 7 into 3 into minus 10, 3, 3, 9, 7, 63, 63 into minus 10 is equal to minus 630. Hope this thing is clear to everyone. I hope so. अभी मेरे को एक चीज बता, like अगर तुम लोग को दिया होगा a plus 1/8, ओके, a प्लस 1/8 दिया हुआ है,
तुम लोग को उसका स्क्वायर अगर पूछे तो क्या लिखोगे? ए प्लस वन बाई ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर प्लस टू. जनरल फॉर्मूला तो यही है, और कुछ डिफरेंस तो है नहीं. मान लो बोला गया ए प्लस वन बाई ए क्यूब निकालना, क्या करोगे यहाँ पे? लिखोगे फिर ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब प्लस थ्री होल इंटू ए प्लस वन बाई ए. अभी अगर मान लो मेरे को डेटा चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर अगर निकालना है, इसका वैल्यू मेरे को निकालना है, देन हाँ मैं एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यूज करूंगी टू फाइंड आउट ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर. अगर मेरे को पूछा गया ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब अगर मेरे को निकालना है, आई विल यूज एग्जैक्टली दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर यूनिट. लेकिन अगर मेरे को बोला गया ए फोर प्लस वन बाय ए टू द पावर फोर, अब मैं इसका वैल्यू कैसे निकालूं? इसका वैल्यू निकालने के लिए मान लो तुम लोग के पास अगर ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर है, इफ यू हैव ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर, देन उसका अगर स्क्वायरिंग करो तो शायद तुम लोग को थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए. कैसे? लेट्स हैव अ लुक. फॉर एग्जाम्पल अगर इसका तुम लोग स्क्वायरिंग किए ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर के वैल्यू का, तो तुम लोग को क्या मिलेगा रिजल्ट? रिजल्ट विल बी ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए स्क्वायर इंटू वन बाई ए स्क्वायर. वॉट इज गोइंग टू हैपन अल्टीमेटली? चलो कैंसल. And what are you left with? You are left with a to the power 4 plus 1 by a to the power 4 plus 2. Done? a4 plus 1 by a4 plus 2. तो अगर मान लो मेरे को ये चीज थोड़ा अच्छे से लिखना हुआ, how will I write this? I will write this as a square plus 1 by a square to the power 2 is equal to a4 plus 1 by a4 plus 2. Now, दिमाग में अभी क्वेश्चन आएगा कि मैंने ये सब चीजें वापस से क्यों लिखी? मिस रेडियो के तरह अभी क्यों बज रही है, बजे जा सॉरी टेप रिकॉर्ड के जैसे अभी क्यों बजे जा रही है मिस तरफ से? यहाँ पे अभी हुआ ये है कि मान लो तुम लोग को जैसे अभी थोड़े कुछ क्वेश्चन पहले पूछ रहा था कि ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का वैल्यू निकालो, ए क्यूब माइनस वन बाई ए क्यूब का वैल्यू निकालो, उसी तरह दे माइंड इवन एड अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर फोर प्लस वन बाई ए टू द पावर फोर. तब तुम लोग को क्या करना है? यहाँ पे यही वाला इक्वेशन को यूज करना है. दिस क्वेश्चन इज सीन एग्जैक्टली इन एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 10. एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. इसको मिटा रही हूँ एक बार के लिए. ओके लेट्स हैव अ लुक. अभी तुम लोग को दिया है a माइनस वन बाय ए इज इक्वल टू फोर. यस. अभी तुम लोग को पहला फर्स्ट बिट में उसने पूछा है दैट a स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, कैसे निकालना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग? हाउ विल यू डू इट? सीधा a माइनस वन बाय ए अगर हम लोग ले रहे, मेरे पास यही चीज का वैल्यू दिया हुआ है, सो व्हाट विल आई डू? a माइनस वन बाय ए होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस टू. अभी मेरे को इसका वैल्यू निकालना है, देन व्हाट विल आई डू? सो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस वन बाई ए होल स्क्वायर प्लस टू. इस चीज को मैं यहाँ पे ले आए तो ये प्लस टू हो गया. ए माइनस वन बाई ए का वैल्यू क्या है? फोर. सो फोर स्क्वायर प्लस टू सिक्सटीन प्लस टू 18, 16 प्लस 2, 18 हो गया. तो मेरे को a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, विच इज 18. यहां से आगे इधर डन. नाउ थिंग इज, अभी नेक्स्ट तुम लोग को पूछा गया है क्या? यू हैव बीन आस्क्ड द सेकेंड थिंग दैट इज a4 प्लस 1 बाय a4, इसको कैसे निकालना है? अगेन डू द सेम थिंग. इफ ए स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए फोर प्लस वन बाय
ए टू द पावर 4 प्लस 2 डन. नाउ यूटिलाइज दिस थिंग. हाउ विल यू डू इट? मान लो कि यहाँ ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 18. तो 18 का स्क्वायर, अभी तुम लोग को अगर 18 का स्क्वायर नहीं आता है तो अगर मेरे सामने ऑनलाइन में बैठे हो ऑफलाइन में होते तो पिट जाते गंदा इसमें. सो ए 4 प्लस 1 बाय ए 4 प्लस 2. तो अभी ए 4 प्लस 1 बाय ए 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा इधर 18 स्क्वायर. कौन बोलेगा 18 स्क्वायर? छोड़ो तुम लोग को पूछ के मैं पेंगिस नहीं करूंगी. 324 माइनस 2 322 इज द आंसर. क्या मिल गया अभी आंसर इसका मेरे को 322. ओके इट केम फ्रॉम हियर. दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ डूइंग इट. नाउ नेक्स्ट इज अभी थर्ड बिट में एक बार जाते हैं. व्हाट इज द थर्ड बिट? आई होप दिस पार्ट वॉज क्वाइट क्लियर टू एवरी वन. ये पूरा चीज अच्छे से क्लियर था सबको? ओके गुड. ए क्यू एंड माइनस 1 बाय ए क्यू. सो व्हाट आर यू एक्चुअली गोइंग टू डू ओवर हियर? सो यू विल कैन यू कैन सी अभी ए माइनस 1 बाय ए को हम लोग फिर से यहाँ पे यूज करेंगे इन टर्म्स ऑफ इट्स क्यू. कैसे? लेट्स हैव अ लुक. तो a माइनस 1 बाय ए उसका जब क्यूब ले रहे हो नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू सी? फॉर्मूला. अभी फॉर्मूला याद है बहुत अच्छी बात है. फॉर्मूला याद नहीं है फिर से गंदा फंसोगे सब लोग. लिखो इधर ए क्यूब माइनस 1 बाय ए क्यूब माइनस 3 ए माइनस 1 बाय ए. फाइन. ए माइनस 1 बाय ए का वैल्यू क्या है इधर 4. उसी चीज को यहाँ पे पूरा सब्स्टिट्यूट करो. सो यू आर गेटिंग 4 क्यूब is equal to a cube minus 1 by a cube minus 3 into 4. अब ये यहाँ पे since it is minus over here यानी कि minus 12 ही लिख दो अच्छा है तुम लोग के लिए. तो this particular term it will be brought to the other side of the equation. क्या हो जाएगा ये 4 cube plus 12 minus था इधर इधर आ गया plus हो गया plus 12 और 4 का cube 4 4 16 16 4 64. अरे वाह वेरी गुड बुशरा जियो हजारों साल. चलो फाइनली तुमको सब क्यूब्स याद हो गए. 64 प्लस 12 कितना आ जाएगा 76. तो मेरा आंसर अभी क्या होगा 64 प्लस 12 76. गुड. अरे क्लियर हुआ मेरे बच्चे लोग? यस मिस. यस मिस. ओके मिस लेट्स कंटिन्यू मिस देन.